गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है सरफराज और आप देख रहे हैं ऑल थिंग टैंक। तो दोस्तों, आज आप लोगों को अपने बाइक का फ्यूल टैंक खोल करके क्लीन करके दिखाऊंगा। एक्चुअली बारिश की वजह से पेट्रोल टैंक में पानी चला गया है। ये देखिए, ये रहा वो सुराख, ये बंद हो गया है, इसकी वजह से पानी यहाँ रह जाता है। और जब हम इसका ये कैप खोलते हैं या इसकी ये जो सील है, इस सील में भी डस्ट आने की वजह से पानी इसके अंदर चला जाता है। ओके, तो इसको भी आज हम क्लीन करेंगे और इस हॉल को भी क्लीन करेंगे। ओके, अब सबसे पहले हमें ये साइड पैनल खोलना है और साइड पैनल खोल के ले लेना है। यहाँ से ना खोलने के बजाय हम इसको यहाँ से कार्बोरेटर के पास से खोल लेंगे। इसको मैंने थोड़ा सा खोल के रखा हुआ, आप देख सकते हैं। तो इसको हम धीरे से चाबी से या प्लास से किसी से भी इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये देखिए बाहर आ गया। ओके, अब हम इसका ये वाला नट 12 नंबर का ये वाला खोल लेंगे, या तो स्पैनर से या तो गोटी से। ठीक, देख सकते हैं दोस्तों, ये है 12 नंबर की गोटी और ये इसका हैंडल है। इस तरीके से लगा कर इसको जब हम इसको उठाएंगे यहाँ से, इसको ये उठाएंगे तो इसके नीचे हमें पेट्रोल मीटर की कनेक्टिविटी का वायर मिलेगा, जिसको हम अनप्लग कर लेंगे। ये देखो, ये हमने अनप्लग कर लिया है। अब हम इसको इस तरीके से यहाँ से पकड़ के और यहाँ से आराम से बिल्कुल पीछे की साइड खींचते हुए यूँ उठा लेंगे। देख सकते हैं आप लोग कितना यहाँ पे भी डस्ट वगैरह है। अब तो पेट्रोल टैंक में ऊपर ले आया हूँ, आप चलिए इसको शुरू करते हैं। इसकी क्लीनिंग हमें कैसे करनी है? ओके, ये खुलेंगे अपने एलन की से, खुलेंगे दोस्तों 5 नंबर की एलन की से। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें कितना कचरा है, कितना गंद भरा हुआ है इसमें, देख सकते हैं। अब इसको पहले हम इसको साफ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं ये साफ कर ही रहा था कि आप इसके ऊपर ये डस्ट के पार्टिकल्स देख सकते हो। ये देखो इतना निकला है इससे, और उसके बावजूद ये देख सकते हो आप कितना डस्ट इसमें था। ये देखिए, है ना, ये इतना सारा डस्ट है। एक्चुअली यही क्या करता है, यही डस्ट जब इसके अंदर चला जाता है तो यहाँ से पानी निकलने का रास्ता जाम हो जाता है, और तभी वो पानी फिर हमारे फ्यूल टैंक के अंदर जाने लगता है। हालांकि इसमें बाउंड्री टाइप बनी हुई है ताकि पानी अंदर ना जाए, लेकिन फिर भी जब पानी ओवर हो जाता है, इसके लेवल में आ जाता है, तो वो पानी ऑटोमेटिकली अंदर जाने लगता है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस डस्ट की वजह से होती है। और अभी इसको और साफ़ करना है, थोड़ा पानी लगा के साफ़ कर लूँगा, या पेट्रोल वगैरह कुछ, डीजल वगैरह कुछ लगा के मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ। बहुत ज़्यादा गंद है इसमें, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए, अभी इधर के इस एरिया में बहुत ज़्यादा है, बाकी इधर है कि नहीं है देख सकते हैं। चलिए मैं क्लीन करके दिखाता हूँ, फिर मैं इसका पास आउट आपको दिखाऊंगा। ओके, अगर ये क्लीन नहीं होगा इसको क्लीन करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, लगभग मैंने इसे क्लीन कर लिया है, धो के पोंछ भी लिया है। ओके, अब आती है बारी इसकी। तो अगर आपके पास में एयर प्रेशर हो तो आप, एयर प्रेशर वाली गन हो तो आप इसमें उसका नीडल लगा करके और प्रेशर मार के इसको साफ़ कर सकते हैं। और अगर तब भी ना हो तो आप इस तरह की एक वायर लेकर के, लोहे की, ये देखिए लोहे की वायर है जो हम छड़ वगैरह बांधने के काम में लेते हैं, उसको इस तरीके से हम धीरे धीरे करके। अब एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं हम। मैंने ये कप लिया हुआ है, इस कप को वो देख सकते हैं, एक निडल आपको दिख रहा होगा, ये वाला इसके नीचे लगाता हूँ मैं दोस्तों, यहाँ पर। ओके, और ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल के देखता हूँ ये इसमें आता है या नहीं। ओके, ये हमने इसका देख लिया है, और अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा पानी। ये ले लिया मैंने पानी, आप देख सकते हैं पानी नीचे से आना शुरू हो गया, और कितना गंदा आया है वो भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी सफाई भी हो गई। ये देखिए,
ये हमने डाला था साफ पानी और ये बन के आ गई चाय, देख सकते हैं आप, है ना। तो दोस्तों इसको हम इस तरीके से खड़ा कर लेंगे। ये हमने फिर से लगा दिया दोस्तों खाली ग्लास धो करके। ओके सकते दोस्तों नीचे से पानी आना साफ हो गया, इस तरह से ये साफ भी हो गया है। तो दोस्तों ये मैंने निकाल लिया इस ग्लास को, फिर बिल्कुल चाय बन के आई है। इसको दोबारा से इसका मुंह हम बंद कर लेते हैं नीचे से हाथ डाल के, और यहाँ से हम इस पर पानी डालते हैं। ये आया पानी दोस्तों, देख सकते हैं अब ये हमारा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। उसको देख सकते हो बिल्कुल लगभग अपना ये क्लीन हो चुका है, बिल्कुल क्लियर क्लीन हो कर लिया हमने। ओके सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखा दिया है इसकी क्लीनिंग का। आप हम अपने इस लॉक सेट को भी थोड़ा साफ कर लेते हैं, ये भी गंदा हुआ पड़ा हुआ। ओके तो इसको साफ करके फिर मैं लगा लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। दोस्तों मैंने लगभग अपना ये लॉक सेट भी साफ कर लिया है, देख सकते हैं आप लोग कितना हो पाया मैंने कर लिया। ओके अब हम इसके ये सारे बोर्ड खोलेंगे और अपना ये पेट्रोल टीवी खोलेंगे। ओके इसको खोलने के लिए दोस्तों हमें जरूरत पड़ेगी 8 नंबर के गोटी की। चार नट हमने खोल के ले लिया, एक ले लेते हैं कंटेनर साफ कर्टन, ताकि अपना जो पेट्रोल हो वो सारा सेव हो जाए। ये इसका मीटर, ये फ्यूल मीटर है दोस्तों, ये हमें बताता है कि हमारे पेट्रोल टैंक में कितना फ्यूल अभी अवेलेबल है। इसको रख देते हैं साइड में। अब हम देख लेते हैं कितना पेट्रोल है, तो पेट्रोल हम कैसे निकालें वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा दोस्तों। मैंने कंटेनर ले लिया, अब हम इसका पेट्रोल भी खोल लेते हैं। तो उसको देख सकते हो मैंने यहाँ से अभी पेट्रोल बाहर किया है, और यहाँ से भी आप देख सकते हो आपको टंकी के अंदर पानी नजर आएगा। ये जो आप काला काला देख रहे हैं दोस्तों ये पानी है सारा का सारा। ओके और जो पेट्रोल अभी इसमें से निकला है इस कंटेनर में, ये देखिए कुछ शक्ल दोस्तों, ये देखिए कितना पानी है इसमें, बहुत सारा पानी है इसमें, आप नीचे देख सकते हैं। तो इस पेट्रोल का तो मैं यूज़ अब दोबारा नहीं करूँगा, इसी वजह से मेरा कार्बोरेटर भी गया हुआ है। तो कार्बोरेटर भी जो ओवर हो रहा था वो इसी की वजह से हो रहा था दोस्तों। अब मैं इस पानी को आराम से ये कपड़ा डाल के इसमें ऐसे उठाने की कोशिश करता हूँ, बस थोड़ी देर इसमें छोड़ते हैं ताकि ये सारा सोख ले, देख सकते हैं आप लोग। उसका फ्यूल टैंक मेरा बिल्कुल ही साफ है, बिल्कुल ही क्लीन है और अच्छी कंडीशन में है, कहीं से रस्टेड नहीं है। तो आप लोग दोस्तों किसी तरीके से मैंने इसको बाहर निकाला, आप देख सकते हैं ये लगभग गीला है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ निचोड़ करके, आप देखते रहिए, इसलिए मैं ही मैं आपको निचोड़ के दिखाता हूँ। इसको निचोड़ देता हूँ, अब हम क्या करेंगे इस पेट्रोल को रख लेंगे ताकि हमारी ये किसी चीज़ को साफ सुथरा करने के
काम आ सके। इसको हम दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, और एक बार पेट्रोल टैंक अंदर से देख लेते हैं साफ़ हुआ या नहीं हुआ। इस प्रोसेस से दोस्तों आप भी अपने घर में अपने फ्यूल टैंक को इसी तरीके से साफ कर सकते हैं। गंदा सा है इसमें और कितना सारा पानी है इसमें, तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने इसमें ड्रेन पाइप भी लगा दी है। अब मुझे जितने की ज़रूरत होगी उतना मैं रख करके बाकी का इसको कट कर दूँगा। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ अंदर का सीन कैसा है, साफ़ हुआ या नहीं हुआ, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, देख सकते हैं दोस्तों हो गया लगभग साफ, बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया है अपना फ्यूल टैंक। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए है ना, पूरा फ्यूल टैंक लगभग अच्छे से साफ हो गया दोस्तों। अब हम अपने इसको पैक कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये लगा लेंगे अपनी ये रबड़, ओके, उसके बाद में अपना ये फ्यूल मीटर इस तरीके से और धीरे 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 इस तरीके से ऐसे। दोस्तों मैंने इसको सबको टाइट कर लिया है, बिल्कुल अच्छे से टाइट कर दिया है, और ये एक ड्रेन पाइप इसमें लगा दी है। लेकिन पेट्रोल टी मैंने अभी नहीं लगाया इसके, ये दोनों नट मैंने सेव कर लिए हैं, और पेट्रोल टी मैं इसकी नहीं लेके आऊँगा क्योंकि इसको मैंने खोल के देखा, इसको भी मैंने देखा, इसमें भी बहुत सारा गंद था। ये देखिए, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो अंदर देखिए, इसको देख सकते हैं आप लोग, गंदगी से दिख रही होगी आपको, ये देखिए है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को देख पाएं। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ नया लेकर कुछ नई सोच के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सलाम और नमस्कार।